ए पुत रोब ना पा अपने शहर दा, ओ तेरे शहर च भी राणे ने हत कराई आ। ओए जिथों मर्जी पता कर ली मेरा पुत, ओए राणियां दी फुल चढ़ाई है। हमारे समाज में ना ये थोड़ी सी दिक्कत है, आप यमुना नगर का प्रकरण ले लो, आप सहारनपुर का प्रकरण ले लो, जितना साथ हमारा मुस्लिम राजपूत भाइयों ने दिया है ना, किसी और ने नहीं दिया। मुस्लिम राजपूत भाई जो हमारे हैं, वो हर तरह से तन मन और धन से अपने राजपूताना के साथ खड़े हैं। तो भाइयों, जे एक भाई हमारा मनीष राणा है और दूसरा भाई नावेद राणा है, दोनों राणे हैं, धर्म कोई भी हो लेकिन दोनों राजपूत है। आज इकट्ठे देखेंगे, एक है क्षत्रिय राजपूत और एक है मुस्लिम राजपूत, दोनों का खून एक है, दोनों पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, दोनों धीर सिंह पुंडीर के वंशज हैं, और देखिए एक दूसरे से हुक्का पीते हुए। तो भाइयों, जे वही मुस्लिम राजपूत भाई राणा नावेद है जो खुलकर सहारनपुर में राजपूतों के लिए आगे आए थे। राणा नावेद के जो वेस्ट यूपी में मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन चल रही है, उसके प्रधान राव साहब इनके परिवार से ही हैं और वो भी हमारे समर्थन में खुलकर आ चुके हैं। सहारनपुर में आपने देखा कि एक भी जाति हमारे समर्थन में नहीं आई, लेकिन मुस्लिम राजपूत खुलकर आए, सहारनपुर के तो खुलकर आए। मैं दाद देता हूँ कि सहारनपुर वाले खुलकर आए, अभी तो वो खुलकर आ रहे हैं। अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी और हरिद्वार की बात करते हो, हरिद्वार में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम राजपूत रहते हैं, जो राव साहब हैं, चाहे रुड़की है, जो भी टच में है वेस्ट यूपी के। अगर वो सभी ऐसे ही हमारे समर्थन में आ गए तो क्या होगा। तो भाइयों, यही एकता कभी 1947 से पहले पंजाब और हरियाणा में हमारी हुआ करती थी। लोगों की जलती थी कि पंजाब हरियाणा में राजपूतों का राज कैसे है, हमारे राजपूत भाइयों का राज कैसे है, दोनों इकट्ठे रहते थे। आप देखिए कि जे कोई मियो जाम वगैरह नहीं है, जो कि मेवात में या अलग उन्होंने कास्ट बना ली, बेशक वो राजपूतों से निकले, जे बेही हैं, जे जैसे राणा सरनेम हम लगाते हैं, जे भी राणा लगाते हैं, जे बेही हैं, इनका वंश हमारा वंश चौहान होगा, इनका वंश भी बेही चौहान होगा। अगर सहारनपुर जाओगे वहाँ पर पुंडीर मिलेंगे, मुजफ्फरनगर जाओगे वहाँ पर वैसे ही कशवाहा मिलेंगे, सोम मिलेंगे, चाहे पुंडीर चौहान, आप वहाँ गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा वाली साइड जाओगे आपको बाटी मिलेंगे, आप बुलंदशहर वाली साइड जाओगे आपको सोलंकी मिलेंगे। एक ही वंश के हैं, इनकी जाति भी सिर्फ राजपूत है, और पश्चिमी यूपी पूरा ही राजपूत लैंड है। सबसे ज्यादा आबादी है हमारी, 10% राजपूत क्षत्रिय हैं और 5% मुस्लिम राजपूत, 15% तो अकेले हैं हम, तो 10% लाखों पर बारी हैं और 15% इकट्ठे हो गए तो क्या होगा। आप हिसाब लगा लो, आप हिसाब लगा लो, पहले ही हिसाब लगा लो। और सहारनपुर में भी 187 गांव क्षत्रियों के हैं, लगभग 150 गांव मुस्लिम राजपूत भाइयों के हैं, 3 लाख, और पंजाब हरियाणा में बंटवारा करके, पंजाब हरियाणा में तो ख़त्म किया गया हमें, हमारे राजपूताना को बांटा, लेकिन वेस्ट यूपी में हम बंटने नहीं देंगे, हम जल्दी ही सबको एक करेंगे और बताएंगे ताकत कि दिल्ली हमारी है, तोमरों की है, चौहानों की है, कि हम क्षत्रिय समाज पर ऐसे ही अपनी बेवाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स, थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।